अब राज्य में सभी विभागों, निगमों और बोर्डों में होने वाली तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की भर्तियां भी आयोग के माध्यम से की जा सकेगी, जिससे भर्तियों में और अधिक पारदर्शिता आएगी। इसको लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा लाया गया विधेयक शुक्रवार को पारित। प्रदेश विधानसभा ने हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग अतिरिक्त कृत्य विधेयक 2018 ध्वनिमत से पारित कर दिया। इस विधेयक को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सदन के समक्ष पारित करने के लिए रखा। विधेयक पर हुई चर्चा में हिस्सा लेते हुए माकपा के विधायक राकेश सिंघा ने कहा कि ये विधेयक लाते वक्त कानूनी प्रावधानों का ख्याल नहीं रखा गया है। उन्होंने इसे जल्दबाजी में लाया गया विधेयक करार दिया और आयोग को कर्मचारियों और अधिकारियों के अनुशासन से संबंधित मामलों में दखल की शक्तियां देने का विरोध किया। कांग्रेस की आशा कुमारी ने भी राकेश सिंघा के तर्क का समर्थन किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विधेयक पर हुई चर्चा के जवाब में कहा कि इस विधेयक के माध्यम से अब राज्य में सभी विभागों, निगमों और बोर्डों में होने वाली चतुर्थ और तृतीय श्रेणी की भर्तियां भी आयोग के माध्यम से की जा सकेंगी, जिससे भर्तियों में और अधिक पारदर्शिता आएगी। अभी तक ये भर्तियां विभाग और निगम या बोर्ड अपने स्तर पर ही कर रहे थे, जिसे लेकर कई बार विवाद होते रहे। मुख्यमंत्री के स्पष्टीकरण के बाद सदन ने इस विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।